Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are fine at your home. I am your Urdu teacher and this is your Urdu book. Okay students, now open your books. Page number 146. Sabak hai aapke paas, Mirat al-Uruz se ek iktibas. Theek hai? Mirat al-Uruz se ek iktibas ka kya matlab hai? Ke Dipti Nazir Ahmed novel nigar थे, ठीक है। उन्होंने दो बहनों के ऊपर एक नावल लिखा था, ठीक है, जिसका नाम था मिरात अल-उरूज। तो वहाँ से उन्होंने यहाँ आपके बुक में एक इक्तबास दिया गया है, ठीक है, तो वो है, ठीक है। अब मिरात अल-उरूज का क्या मतलब है? मिरात अल-उरूज के मायने हैं दुल्हन का आईना, ठीक है। पढ़ते हैं सबक में क्या है, मैं आपको इसकी समरी बता देती हूँ। आपने बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर को रीड करना है, ठीक है। नोट, मिरात अल-उरूज के मायने दुल्हन का आईना है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने दो बहनों अकबरी असगरी को बतौर मिसाल पेश करते हुए ख़वातीन की इस्लाह की कोशिश की है। अकबरी लाड प्यार से बिगड़ी फुआड़ और बदमिजाज लड़की थी, जो बुरी आदतों की वजह से अपना घर बर्बाद कर लेती है, जबकि असगरी अपनी सलीकामंदी से मैके और ससुराल में अपना मकाम बना लेती है, ठीक है। अब यहाँ से इक्तबास शुरू होता है, ठीक है। अकबरी के शौहर ने कहा था कि किसी अजनबी औरत को घर में आने मत देना, ठीक है। इन दिनों एक कट्टी आई हुई है, ठीक है, यानी कि जो अकबरी के शौहर हैं वो उन्हें मना करते हैं कि आप जो हैं घर में किसी भी अजनबी औरत को नहीं घुसने दिएगा, क्योंकि मोहल्ले में उन दिनों जो थी वो एक चोरनी आई हुई थी जो कि लोगों को लूट लेती है, ठीक है। तो उनके शौहर मना करते हैं कि आप किसी भी अजनबी औरत से बात नहीं करिएगा, क्योंकि अकबरी का जो शौक होता है वो होता है कि वो हर किसी से बहुत ही जल्दी मेलजोल बढ़ा लेती हैं और अपना दोस्त बना लेती हैं और अपने घर में बुला लेती हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनके शौहर ने उन्हें मना किया था। अब एक दिन यह होता है कि जो कटनी होती है वो हज्जन के भेस में आती हैं, ठीक है, उनके मोहल्ले में, और तबरुकात और दीगर चीज़ें जो हैं वो बेचने शुरू कर देती हैं घर घर जाकर। तो जब अकबरी को ये खबर होती है तो वो अपनी पड़ोसन की लड़की को भेजती हैं कि जाओ उस हज्जन को घर पर बुला लाओ, मैं भी उनके तबरुकात को देख लेती हूँ, ठीक है। तो जब वो उसे घर बुलाती हैं तो वो अपने तबरुकात दिखाती हैं तो अकबरी का बहुत पसंद आते हैं। कुछ चीज़ें वो रख लेती हैं और फिर हज्जन को जो है वो रुखसत कर देती हैं और फिर पूछती हैं कि अब आप कब आएंगी। तो हज्जन जो है वो कहती है कि मैं एक दो दिन में आपके पास आ जाऊँगी। अब हज्जन जो होती है वो ऐसी औरतों की तलाश करती है कि जो बेवकूफ़ हो और जिसको वो आसानी से लूट सके, और अकबरी उसको बिल्कुल वैसे ही लगती है बातचीत में। तो जब दो तीन रोज़ बाद वो आती हैं तो वो कुछ और चीज़ें लेकर आती हैं। अब वो चीज़ें बेचने के लिए लाती हैं तो अकबरी को वो चीज़ें पसंद आती हैं और वो उसे ख़रीद लेती है। जब वो उसके पास तीसरी बार आती हैं चीज़ें लेकर, तो वो एक मोतियों की माला लेकर आती हैं और जो है उसको काफ़ी महंगा बताकर, और फिर अकबरी को वो सस्ते में दे देती हैं। क्या होता है कि वो कहती हैं कि अकबरी के पास पैसे कम होते हैं, तो वो कहती हैं कि एक काम करें, आप अपने जो छोटे मोटे जेवर हैं वो आप बेच कर ले लें, क्योंकि ये जो माला है वो बहुत ज़्यादा कीमती है और दोबारा ऐसा माल नहीं मिलेगा। तो अकबर क्या करती हैं, अपनी कुछ जेवर जो हैं वो उसे दे देती हैं और उसके बदले में वो मोतियों की माला ले लेती हैं। अब जब हज्जन उसके बाकी जेवर देखती हैं तो वो उससे कहती हैं कि आपने किस तरीके से रखे हुए जेवर, ऐसे तो ये और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, आप इनको जो हैं वो उजलवाएँ और साफ़ सुथरा करवाएँ। तो अकबर इनसे कहती है कि ये काम करवाने के लिए तो कोई है ही नहीं। तो हज्जन उनसे कहती है कि एक काम करें, आप अपने सारे जेवर मुझे दे दें और मैं सुनार के पास ले जाकर आपके जेवर ठीक करवा देती हूँ। अकबरी जो होती हैं वो अपने सारे जेवर जो हैं वो उस हज्जन को दे देती हैं और अपनी पड़ोसन की जो लड़की है वो उसके साथ भेज देती हैं कि ये सुनार की दुकान पर बैठी रहेगी और वापस में जेवर ले आएगी। अब क्या होता है, जब वो गली के कोने पर पहुंचती हैं दोनों, हज्जन और उसकी पड़ोसन, तो हज्जन उनसे कहती हैं कि मैं काम करती हूँ, जो जेवर जो है जुड़वाने हैं वो मैं एक तरफ कर देती हूँ और जो उजलवाने हैं वो मैं एक तरफ कर देती हूँ।
अब जब वो जेवर अलग कर रही होती हैं तो एकदम से कहती हैं, ओ वो नाक की कील कहाँ गई। तो वो पूछती हैं, कौन सी कील? तो वो कहती हैं, एक और कील थी, वो शायद मैं पानदान के ऊपर रख के आ गई। एक काम करो, तुम अब उसे ले आओ। जो पड़ोसन की लड़की होती है वो ले आती है, वो घर जाती है कील लेने। तो अकबरी से वो बोलती है, वो नाक की कील रह गई। अकबरी सर पकड़ लेती है कि मेरे पास तो नाक की कोई कील ही नहीं थी। वो कहती है, जल्दी जाओ, ऐसा ना हो कि हजन उसके जेवर लेके भाग जाए। अब जब वो जेवर के लिए जाती है गली के कोने पर, वहाँ तो कोई होता ही नहीं है। फिर अकबरी सारे मोहल्ले को जमा करती हैं और कहती हैं कि वो भाई हजन कहाँ गई, कहाँ रहती थी, कहाँ गई, और वो मेरे जेवर लेके चली गई। तो मालूम होता है कि वो एक महीने के लिए किराए पर आई थी और 4 दिन पहले ही वो अपना घर छोड़ चुकी हैं। तो इस तरीके से अकबरी जो है वो अपने जेवरों से हाथ धो बैठती है। ये सारी स्टोरी है इसमें। अब आपने क्या करना है, आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है, ठीक है। अब हम इसकी एक मशक हल कर लेते हैं। ओके, पेज नंबर 149 पर आपके पास है कसीरुद्दहाबी सवाला। पहला है आपके पास, अकबरी के शौहर ने कहा रखा था कि किसी को घर में घुसने मत देना, किसको, चोर को, अजनबी औरत को या रिश्तेदार को, किसको, अजनबी औरत को, ठीक है। मकारा हजन कौन सी औरतों को फुसलाया करती थी, अकलमंद को, चनाक को या बेवकूफ़ को, किसको, बेवकूफ़ को, ठीक है। पोंछियाँ बालियाँ पत्ते मगर मुखियाँ बाजूबंद, ये किस चीज़ के नाम है, जेवरात के, सजाने की चीज़ों के या खिलौनों के, किसके नाम है, जेवरात के नाम है। नेक्स्ट है आपके पास, हज्जन टैश के बहाने सारा जेवर ले गए, किसके बहलवाने, किसके बहाने, उजलवाने के बहाने, दिखाने के या बेचने, किसके, उजलवाने के। ओके स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है और ये मशक आपने किताब में ही हल करनी है, इसको आपने कॉपी में नहीं करना। और कॉपी के अंदर आपने बहुत अच्छा सा टाइटल पेज बना देना है सबक का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी के काम करेंगे। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।